मामले में मैंने हमेशा स्ट्रगल की कि एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश की। हमारी डिग्री ऐसी थी, जब मैं पहुंचा मेरा फर्स्ट ईयर था और मुझे एक सीनियर ने बताया, यार जिस डिग्री में आपका एडमिशन हुआ है, तो अगर आप अपने इस डिग्री के थर्ड ईयर में कोई कुछ कमाना शुरू नहीं करते, आपके पास वो स्किल नहीं है, तो आप इस घर चले जाएं, आपको डिग्री कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये चीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए काफ़ी थी। पहले दो साल खूब मेहनत की, थर्ड ईयर में आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करना कोशिश किया, जो भी स्किल्स डेवलप किए, फिर उनको ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू किया, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड ईयर में ही मैंने अपनी पहली इनकम खुद जनरेट। तो ये बहुत बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। जो ग्रेजुएशन करने वाले के माइंड में जो टेंशन होती है कि हमारी ग्रेजुएशन के बाद हमें जॉब मिलेगी या नहीं, तो वो एक टेंशन ख़त्म हो गई और ये तसल्ली हो गई कि अब जॉब हो ना हो, हम अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिग्री है कि मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ उसी के सहारे बैठा नहीं जा सकता। जब आपका एक गोल होता है लाइफ में कि आपने कुछ करना है, सिर्फ पैसे कमाने की बात हो तो हम वहाँ पे क्विट भी कर सकते हैं, घर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब आपने अपने इलाके के लिए, जैसे कि आपके इलाके में गांव में कोई एग्जांपल सेट नहीं होती, वो आपने सेट करनी होती है, आपका एक गोल होता है, तो आप उसके लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। खैर, डिग्री कम्प्लीट होने के बाद मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया, मुझे एक यूके के फर्म में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब मिल गई। मैं यूके की कंपनी थी जिनका इधर शावर में ऑफिस था, उनके साथ हमने काम किया, और यूके के ही हमारे क्लाइंट्स थे जिनको हमने सॉफ्टवेयर वगैरह बना के देते थे। उसके साथ साथ मैंने अपना मास्टर्स कंटिन्यू किया, क्योंकि एजुकेशन का शौक था, जॉब की वजह से मास्टर्स नहीं छोड़ सकते थे और जॉब ग्रेजुएशन के बाद लाजमी हो जाती है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही अपना कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने फेडरल बोर्ड में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्लाई किया, जहाँ पर मेरी जॉब हुई। वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है, क्योंकि वो लोग हमसे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, आप लोगों के समझने के लिए ये अभी जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका हमारी जर्नी से अब रिलेशन नहीं, इसलिए इसको आपने गौर से सुनना है। वो लोग हमसे आगे इसलिए हैं क्योंकि वो एक स्टेप आगे, वो इनिशिएटिव ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जब SLO का सिस्टम आने लगा, तो मुझे पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग मेरा अपना भांजा, वो एजुकेटर से भाग के इधर आके एडमिशन ले लिया। उसने कहा जी मैं पाक वतन में पढ़ता हूँ, उसकी पढ़ाई अच्छी है, और एजुकेटर उसने छोड़ दिया कि वहाँ तो SLO आ रहा है और हम क्या करेंगे। वो तो मतलब इसी तरह आप लोग भी डरे होंगे, हालांकि यकीन माने कि अगर SLO सिस्टम्स में आप 1100 में से 800 नंबर लेते हैं, वो उस 1100 में से 1100 लिए हुए नंबरों से बेहतर है। क्योंकि जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हैं या आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, तो वो 1100 में से 800 नंबर लिए हुआ बच्चा जिसने SLO बेस्ड स्टडी की होती है, वो हमेशा आपसे एक स्टेप आगे रहता है, बोलने में भी, प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी। इसलिए आपकी जितनी स्टडी इंपॉर्टेंट है, उतना आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इन चीज़ों में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। SLO बेस्ड स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ दे दी जाएगी जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकें। SLO बेस्ड का मतलब ये है कि आपने टू द पॉइंट आंसर देना है, और जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उसको आपने सीखना है, ना कि रट्टा लगाना है। तो आपके लिए खुशकिस्मती ये है कि जैसे हमारे टाइम में बताया जाता था कि यार स्टार्ट सही लिख देना और एंड सही लिख देना, बीच में कहानियाँ लिख देना, तो नंबर मिल जाए। और फिर नंबर नहीं मिलते थे तो हम कहते थे यार कहानियाँ तो पूरी पूरी लिखी हैं लेकिन नंबर नहीं मिले, ये क्या वजह। तो SLO का मकसद ये है कि वो बीच वाली कहानियाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना वो स्टार्ट और एंड जो ठीक लिखते थे वो मिला के पूरा आंसर भी लिखते हैं, तो आपको मार्क्स कम्प्लीट मिल जाए। अभी हमारी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता है, जब पहले साल हमने SLO बेस्ड एग्जामिनेशन की, हमने क्वेश्चंस वही जो बुक में टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं उन्हीं से लिए, लेकिन एक फिजिक्स में एक प्रॉब्लम आया जिसमें मैथ्स का एक प्रॉब्लम था, जिसमें हमने बुक में क्वेश्चन था उसमें बच्चे का नाम लिखा हुआ था अली, बाकी सारा प्रॉब्लम वही था कि कितने अंडे थे उसमें से इतने चले गए, अब अली ने कैलकुलेट करना है कि बाकी कितने बच जाएंगे, लेकिन हमने अली को बाबर कर दिया। तो स्टूडेंट्स कंप्लेन करने लगे कि हमारा क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। तो
ये होता है जब आप समझ के नहीं पढ़ते बल्कि टॉपिक को पढ़ते जाते हैं और आखिर में एक्सरसाइज में दिए गए सवालों को इतने इतनी ज्यादा दफा सॉल्व करते हैं, कहते हैं हमें तो अब रट गया ये सवाल आएगा तो हम तो इसको ऐसे वैसे कर देंगे। इसलिए हमेशा चीज को समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना। अगर समझ के पढ़ के आपने 1100 में से 800 नंबर ले लिए और जिस बंदे ने समझ के नहीं पढ़ा उसने 1000 ले लिया, मैं कहता हूँ आप उससे बेहतर होंगे 800 में और आप हमेशा जिंदगी में कामयाब होंगे। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, आजकल आप लोगों के पास फैसिलिटीज हैं और माशाल्लाह जिस तरह पाक बसल इस एरिया में काम कर रहा है और जितने थोड़े अरसे में इन्होंने अपना नाम बनाया और जो फैसिलिटीज आपको दी हैं, तो आपके लिए ये ताई खुशी की बात है। क्योंकि हमारे टाइम में हमें सिर्फ ये पता होता था कि हम या तो डॉक्टर बन सकते हैं या तो इंजीनियर बन सकते हैं, इसका ऑप्शन हमें पता ही नहीं था हम जिंदगी में बन क्या सकते हैं। तो जो डॉक्टर नहीं बन सका उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म, जो इंजीनियर नहीं बन सकता था, खैर इंजीनियरिंग की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी थी तो डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा मसले होते थे, जिसने मेडिकल पढ़ा होता वो कहते थे यार अब ज़िंदगी में क्या करूँ। तो यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर, यू डोंट हैव टू बी एन इंजीनियर नेसेसरीली इफ दैट इज़ नॉट योर पैशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी एजुकेशन से जाट छूट गई, यार मैंने तो डॉक्टर भी नहीं बनना, इंजीनियर भी नहीं बनना, पढ़ने का क्या फ़ायदा। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपने बनना क्या है, उस चीज़ के लिए आपने स्ट्रगल करनी। और एक सबसे बड़ी जो खतरे की बात है जो हमारा, क्योंकि स्टूडेंट से डायरेक्ट डीलिंग होती है, स्टूडेंट आजकल कमाने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, जबकि पढ़ाई, पहली बात तो यह पढ़ाई आप कमाने के लिए नहीं करते, वरना आप स्कूल में एडमिशन लेने की बजाय पहले साल से पैसे इकट्ठे करना शुरू करें, 14 सालों में इतने हो जाएंगे कि बिजनेस कर लेंगे, पढ़ाई का फायदा नहीं था पैसे कमाने के लिए। तो पढ़ाई को पैसों का जरिया कभी नहीं समझना। आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हैं यूट्यूबर्स से कि यार यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहे हैं इतने कमा रहे हैं मैं भी करूँगा कमा लूँगा। ये जो YouTube पे वीडियोस बनाने वाले लोग होते हैं इसमें से 100 में से 99 फेल होते हैं, एक सक्सेसफुल होते हैं। वो 99 जो फेल होके इधर उधर दर बदर घूम रहे होते हैं, वो किसी को नजर नहीं आते, वो एक की वीडियोस देख के मोटिवेट होते रहते हैं और एक टाइम आता है उस जिस तरह ये YouTube का दौर खत्म हो जाएगा इससे कमाने वाला, इसी तरह ये शॉर्टकट सारे खत्म हो जाते हैं, कुछ भी परमानेंट। जो चीज़, जो स्किल आपके साथ हमेशा रहेगी वो आपकी एजुकेशन रहेगी। इसलिए शॉर्टकट से कमाने वाला, यूट्यूब से कमाने वाला, ये चीज़ें इन चीज़ों पे करना। बाकी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसे अकील साहब ने कहा कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स के हवाले से, जिस तरह इन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली कुछ पेरेंट्स के पास फाइनेंसिस नहीं होते कि वो अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें, तो फॉर्चुनेटली आपके पास पाक वतन है उस सूरत में जो आपको स्कॉलरशिप देता है। और मैं बताते खुद इनकी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो तब से मैं इनके पास आता जाता हूँ, हमारा बहुत पुराना एक दोस्ती है, स्टार्ट से मैंने इनको देखा है। जितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स इन्होंने इस सर्कल में दी हैं, हमने अपने टाइम में सिर्फ सुना था कि यार स्कॉलरशिप होगी लेकिन वो आती कभी नहीं थी किधर जितने भी। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, इसलिए अपने इस इदारे के लिए आप जितनी मेहनत करें और इसका नाम रोशन करने की कोशिश करें उतना ही करें।